बिजली और पानी की की प्रॉब्लम्स को लेके कई सारी शिकायतें आ रही हैं, और मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ, जैसे छपा है 70 जगह ट्रांसफार्मरों से, बिजली के ट्रांसफार्मरों से बीजेपी कांग्रेस वाले लोगों ने तेल की चोरी कर ली, और जानबूझ के ये सब किया जा रहा है। जगह जगह से खबर आई है कि कहीं पानी का वॉल्व लेके भाग जाते हैं ये लोग, कहीं सीवर के, जैसे संगम विहार से शिकायत आई, सीवर की पाइपलाइन के अंदर सीमेंट के कट्टे डाल दिए ताकि वो पूरा पानी बाहर सड़कों के ऊपर आ गया। तो पूरी दिल्ली में इतवार तक जगह जगह बिजली के ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करेंगे ये लोग, जगह जगह पानी की किल्लत करेंगे, पानी की प्रॉब्लम करेंगे, सीवर की प्रॉब्लम करेंगे। पहली चीज़ तो मैं बीजेपी और कांग्रेस वालों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि अपनी इस तुच्छ राजनीति से मेरे दिल्ली के लोगों को परेशान करना बंद करें, दिल्ली के लोगों के साथ इतनी गंदी राजनीति करना बंद करें। आप लोगों की दुश्मनी हमसे है, मेरे घर की बिजली काट लो तुम लोग, मेरे घर का पानी काट लो, मेरे घर का सीवर काट लो, मेरे को तुमसे, मैं तुमसे लड़ लूँगा, लेकिन मेरे दिल्ली वालों को तुम परेशान करना बंद करो। और दूसरा, दिल्ली वालों को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आपके यहाँ अगर ऐसी कोई भी अगले संडे तक प्रॉब्लम आए, आप तुरंत हमें बताना, हम कोशिश करेंगे तुरंत उसको सॉल्व करने की। लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो समझ जाना कि कहीं आपके एरिया में कहीं ना कहीं बीजेपी या कांग्रेस वालों ने बदमाशी करके बिजली, पानी और सीवर की समस्या क्रिएट की है। दूसरी चीज़, जैसे मैं एक दो दिन से बोल रहा हूँ कि दिल्ली में तो क्या देश भर में अब कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है, परसों चुनाव है, चुनाव में अब कांग्रेस को वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना वोट बेकार ना करें, कांग्रेस को वोट देके, और बीजेपी को अगर आप वोट देते हैं, 10 साल से MCD में बीजेपी की सरकार है, 10 साल में बीजेपी दिल्ली साफ नहीं कर पाई, तो जो पार्टी 10 साल में दिल्ली साफ नहीं कर पाई, 10 साल में मच्छर नहीं हटा पाई, वो पार्टी अब आने वाले समय में दिल्ली साफ कैसे करे। तो अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आप ये सोच लेना कि आने वाले 5 साल में दिल्ली में ऐसी गंदगी रहेगी, आने वाले 5 साल में ऐसे ही मच्छर रहेंगे, आने वाले 5 साल में ऐसे ही डेंगू होता रहेगा, चिकनगुनिया होता रहेगा। अगर आप बीजेपी को वोट देते हो और कल को आपके घर में आपके बच्चे को डेंगू हो जाए, अगर आपके बच्चे को चिकनगुनिया हो जाए, तो ये सोच लेना फिर आप जिम्मेदार हो अपने बच्चे के डेंगू के लिए। मैं आपके बच्चे का अपने अस्पताल में फ्री में इलाज तो करा दूंगा, लेकिन डेंगू हो ही क्यों आपके बच्चे को? तो अगर आपके घर में कल को कोई डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से बीमार होता है, फिर ये समझ लेना आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने डेंगू वाली पार्टी को वोट दिया, आपने चिकनगुनिया वाली पार्टी को वोट दिया, आपने मच्छरों वाली पार्टी को वोट दिया, आपने गंदगी वाली पार्टी को वोट दिया। यही मौका है, इस बार बदल सकते हो, बदलाव कर सकते हो, और आप ईमानदार पार्टी को वोट दो। जैसे आपने 2 साल पहले आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में क्रांति करके दिखा दी, इस बार आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, 1 साल के अंदर दिल्ली चमका के दिखा देंगे, 3 साल के अंदर दिल्ली से डेंगू और चिकनगुनिया खत्म करके। केजरीवाल जी, आपने कहा कि मोदी का नाम लेकर भ्रष्टाचार छुपा रही है बीजेपी। देखिए, जब पिछले 10 साल से इन्होंने दिल्ली के अंदर जिस तरह से इतनी गंदगी फैलाई है, जनता बहुत दुखी है, जनता बहुत त्रस्त है, चारों तरफ डेंगू से, चिकनगुनिया से लोग परेशान हैं, लोग इनसे सवाल पूछते हैं, लोग इनसे पूछते हैं भाई तुमने इतना डेंगू का रखा है, लोग इनसे पूछते हैं भाई तुमने इतनी गंदगी फैला रखी है, तो कहते हैं मोदी को वोट दो। इनके पास किसी चीज़ का जवाब नहीं है, अपने सारे कुकर्मों को, अपने सारे भ्रष्टाचार को, और पूरी दिल्ली के अंदर दिल्ली को इन्होंने डेंगू और चिकनगुनिया का जो अड्डा बना दिया, उसको ये मोदी जी के नाम से ढकना चाह रहे हैं, लेकिन जनता इसको देख रही है अभी।